सीखने के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो नेचर है वो ही हमें बहुत कुछ सिखाता है। जैसे कि मिट्टी, मिट्टी हमें क्षमा और धैर्य सिखाता है, और पानी, पानी हमें ये सिखाता है कि हमारे लक्ष्य की चिंता किए बिना हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और रास्ते में जो भी है उसे निर्मल बनाते रहना चाहिए। अभी पेड़, पेड़ हमें सिखाता है कि बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद कैसे करें। हवा, हवा हमें सिखाता है कि बिना दिखे दूसरों की मदद कैसे करें। इसीलिए मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है वृक्ष आश्रम। इसमें मुझे जगह जगह पौधे लगाने हैं, इसीलिए मैं 34वां पौधा आपके पास लाया हूं। ओके, इसे लगाने के लिए आपके पास जगह है? हाँ, जगह है हमारे पास। और आप किसके बर्थडे में दे रहे हैं ये? क्या नाम है इनका? दुर्वी। सो दुर्वी विल टेक दिस वन। दुर्वी यू टेक, सो दुर्वी एंड माय सेल्फ वी विल। आप भी लगा दो हाथ। तो दुर्वी और हम दोनों उसका ध्यान रखेंगे। सर, और प्रॉमिस भी कीजिए, यस, कि आप इसका पूरा ख्याल रखोगे। यस यस, अंबर सर आप भी कीजिए, ठीक है। ऑल ऑफ अस विल टेक केयर ऑफ दिस प्लांट, ठीक है। चलो इसको लगाएंगे, आप आ जाओ, आ जाओ, आप ही लगाओ, आपको ही लगाना है। थैंक यू सर। स्कूल में अनिक्ष ने 100 पौधे लगाने का जो प्रण लिया है उसमें 34वां पौधा दुर्वी के जन्मदिवस पर अंबुजा विद्या निकेतन स्कूल में लगाया है। इस पौधे की हम लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं और हम चाहेंगे कि 34, 35, 36 ऐसा ये क्रम आगे बढ़ता जाए और बहुत सारे पौधे ये लगाएं और इसके बारे में विद्यार्थियों में भी एक अवेयरनेस आएगा और नेचर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये बहुत इनका अच्छा योगदान है। और इस तरीके से बाकी बच्चे भी मोटिवेट हों और पौधे लगाएं, क्योंकि हमारे पास स्कूल में बहुत सारी जगह है और वही पौधे लगाएं जो हमारे नेटिव है। इससे बच्चों को भी पौधों के बारे में जानकारी मिलेगी और अवेयरनेस बढ़ेगी। सो धन्यवाद बोथ ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। और सर, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर पौधों के बारे में? जैसे हमारे यहाँ की जो गर्मी है सर, बहुत बढ़ रही है सर। yes, yes, yes. और जैसे समर में तो बच्चे स्कूल से आते आते थक जाते हैं सर, तो उसके लिए लोगों ने क्या कदम उठाना चाहिए जिससे हम थोड़ा बहुत तो उसे कंट्रोल कर सके? yes, yes, yes. तो जैसे दोनों ने प्रोजेक्ट में एक पौधा हमारे यहाँ लगाया, वैसे ही भी हम लोग देख रहे हैं कि हम चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं जो कि जनरली बहुत गर्म होता है, और हम जिस बेल्ट में रहते हैं वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी है। तो इसको बैलेंस करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी एक पार्ट है कि पौधे हम जितने लगाएंगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेंटेन होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट कंट्रोल रहेगा और गर्मी थोड़ी कम होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं पेड़ नहीं है तो पेड़ नहीं है तो छाया भी नहीं है, और पेड़ नहीं है तो ऑक्सीजन की भी कमी है। तो इसलिए हम जैसे पेड़ लगाएंगे तो इस एरिया में जितने ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे, वृक्ष लगाएंगे, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा, कंट्रोल में रहेगा, और ग्रीन हाउस गैसेस भी कंट्रोल में रहेंगे। और ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, जैसे हमारे ज़िले में भी हमने देखा है कि कई बार मराठी में बोलते हैं अवकाड़ी पालूस, ऐसा बीच बीच में कभी भी बारिश होती है, कभी बारिश नहीं होती, कभी बहुत गर्म होता है, कभी कम होता है,
तो इसमें भी इसको कंट्रोल करने में भी ये बहुत योगदान इनका रहेगा। तो मैं अपील करता हूँ सारे विद्यार्थियों से कि जब भी उनका जन्मदिवस हो ऐसे ही प्रोजेक्ट के साथ जुड़ें और ऐसा कुछ अच्छा कार्य करें और उनका संवर्धन भी करें। ऐसा नहीं कि पेड़ लगा दिया और उसे छोड़ दिया, तो उसका सालों साल ध्यान रहे। फिर 15-20 साल बाद जब ये विद्यार्थी पढ़ के कहीं बाहर जाएंगे और वापस आएंगे स्कूल में, तो उनको दिखेगा कि हमने ये पौधा लगाया था, ये आज इतने फल दे रहा है, और ये इनको एक याद भी रहेगा। और जब ये 18 साल के ऊपर हो जाएंगे, अपनी जिम्मेदारी देश के प्रति समझेंगे, तब ये बहुत जागरूक रहेंगे एनवायरनमेंट के प्रति भी। यस सर। बाकी तो सब चीज जागरूकता रहती, लेकिन एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता, और इसमें इनकी कृति में समावेश हुआ है। जैसे लोग बोलते हैं कि हमको ये देना चाहिए, वो करना चाहिए, बट करना पहले स्टार्ट खुद से करना है। यस सर। और ये दोनों ने पहले खुद स्टार्ट किया है, उसके बाद ये दूसरों को बोल रहे हैं करने के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसके प्रोजेक्ट के लिए और शुभकामनाएं देता हूँ, ऐसे ही ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता रहे और अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स ये लगाएं जो हमारे चंद्रपुर और गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट के नेटिव प्लांट्स हैं। यस सर। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू, धन्यवाद। उसको आशीर्वाद भी दीजिए सर, वो बाकी प्लांट लगाने में सक्सेस हो। यस यस यस, बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही ये स्कीम आगे बढ़ाते रहे, और मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, शुभेच्छा दोनों को। थैंक यू सर। एक प्रण लिया अपनी बर्थडे में कि वो 100 पौधे लगाएगा, इसमें से 34वां पौधा उसने अंबुजा विद्या निकेतन उपरवाही के स्कूल में लगाया है। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और नाम इसने दिया है उसको वृक्ष आश्रम। आश्रम की जब हम बात करते हैं तो वो आश्रय होता है। यहाँ पे जब ये जैसे जैसे पेड़ और पौधे लगा रहा है, ये मानव जनजाति के लिए नहीं, सभी जीवनदायी चीज़ों के लिए अपने आप में एक आश्रय है। तो मैं तनिष्क के इस प्रोजेक्ट के थ्रू सबको ये कहना चाहूँगा, खाली स्टूडेंट्स को नहीं, पेरेंट्स को भी, कि आप ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जुड़िए, क्योंकि अगर हरित विकास होगा तभी जीवन कल्याण होगा, तभी मानव कल्याण होगा। यस सर, थैंक यू सर। वृक्षाश्रम, उसमें तनिष्क ने आपके स्कूल में एक पौधा लगाया है, आम का है, और वो पौधा भी उसने घर में खुद बनाया है मैम। तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम? मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पौधे किस प्रकार हमारे लिए बेहद उपयोगी हैं। वो हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी जीव जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिन्हें वो लेकर के एक प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस करके उसको कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन में, जो कि हमारे लिए है प्राणवायु, जिसके बिना हम जी नहीं सकते। साथ ही साथ में जो पौधे होते हैं वो मिट्टी की उपजाऊ प्रवृत्ति बनाए रखते हैं, क्योंकि वो मिट्टी को पकड़ते हैं, नहीं तो सॉइल इरोजन हो जाएगा, यानी कि हमारी उपजाऊ मिट्टी बह जाती है, जिसे करने के लिए हमें पौधों की बहुत जरूरत होती है। यस मैम, थैंक यू मैम। आई दैट तनिष्क इज डूइंग सच अ ग्रेट वर्क एंड आई गिव हिम अ बेस्ट विशेस फॉर हिज फ्यूचर, व्हाट ही इज डूइंग फॉर द सोसाइटी। I'm very very happy, very good. Tanish, you're doing a very good work. Keep up the good work, and I hope so you will do something great in this future. Yes, ma'am. Thank you very much. Thank you, ma'am.